समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादे मुस्लिमीन के महानगर अध्यक्ष हाजी वकील रशीद एडवोकेट ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम आगे नहीं रखा है और इससे जाहिर हो रहा है कि वो मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव कर रहे हैं। अब ऐसे में मुस्लिम समुदाय को ये सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में उनका कुछ नहीं है। ओवैसी साहब भी मुस्लिम समुदाय को आगे लेकर चल रहे हैं। सभी को ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव के साथ अन्य चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने वोट दिया, मगर अभी तक मुस्लिम समुदाय अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। साथियों का ये भी कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय को ये मालूम है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के साथ धोखा कर रही है। सिटी चैनल के संवाददाता आलम अब्बासी से विशेष बातचीत की है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये तो अखिलेश यादव का एक तरीका है, क्योंकि वो एक आरएसएस के इशारे पर पार्टी चला रहे हैं, तो वो उनकी घुट्टी में मिल चुका है कि कुछ भी हो जाए मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलेगा कभी भी, कुछ कर ले मुसलमान। अभी विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने ऐतिहासिक वोट समाजवादी पार्टी को दिया था, अखिलेश यादव को दिया था। क्या नतीजा निकला? क्या इसलिए दिया था कि हम अपनी जान माल पैसा सब देंगे और जब हमें कुछ हिस्सेदारी देने की बात आएगी तो आप मुसलमानों को राज्यसभा नहीं भेजेंगे? क्यों नहीं भेजेंगे? वोट हमारा और राज उनका, ये कब तक चलेगा? ये मलाई जो है अखिलेश यादव जो है वो कब तक खिलाएंगे? और जबकि उनका यादव समाज में साथ रहा भी नहीं। भाई शिवपाल सिंह यादव जो है एक जमीनी नेता है, वहां पर उनकी इतनी बेहरमती है, वहां पर इतना उनके साथ उत्पीड़न है उनका, और जो पार्टी जिन्होंने लोगों ने पार्टी बनाई है उनको बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया गया, पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया। तो क्योंकि इन लोगों की सेटिंग हो चुकी है बीजेपी से, पद्मश्री उन्होंने मुलायम सिंह यादव को दिलवाया है, जयंत चौधरी को ने चौधरी चरण सिंह को दिलवाया है, तो वो बीजेपी के साथ उनकी सेटिंग हो गई। उधर नीतीश कुमार ने दिलवाया तो उनकी सेटिंग हो गई। इधर अखिलेश ने दिलवाया है बीजेपी से मुलायम सिंह यादव को, मना कर देते लेने से। क्या मुलायम सिंह यादव अगर जीवित होते तो वो बीजेपी की सरकार से पद्मश्री ले लेते, आप मना कर देते? तो ये सेटिंग हुई है सारी। अच्छा, अब लोकसभा का चुनाव जैसे रखा, कुछ दिनों के बाद तारीख आने वाली है, क्या असर कुछ समाजवादी पार्टी के वोटों पर पड़ेगा इसका? भाई आप अभी निकाय चुनाव देखिए ना, अभी जो 2022 के बाद जब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जो है वो मुसलमानों की नहीं बोल रहे हैं, तो उसका असर आपको एक साल बाद मिल गया। अभी 2023 में जो अभी निकाय चुनाव हुए हैं उसमें क्या हुआ, समाजवादी का सुपड़ा साफ हो गया, सुपड़ा साफ हो गया, 100-100 वोट मिले हैं पार्षदों को। अच्छा, आप भी महानगर अध्यक्ष, आपकी पार्टी भी कोई गठबंधन की बात चल रही कहीं? देखिए अभी मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी गठबंधन की बात चल रही। शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा है कि हम अखिलेश यादव को से कोशिश कर रहे हैं कि भाई एमआईएम से गठबंधन हो जाए। भाई समाजवादी का किसी से गठबंधन है कब? अगर समाजवादी का गठबंधन होता तो अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे होते। मध्य प्रदेश में समाजवादी ने अपने कैंडिडेट खड़े करे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई वहां पे। वहां का जो मुख्यमंत्री थे वो कहते थे, वो कह रहे थे कि ये अखिलेश अखिलेश की औकात क्या है। अब आप उनके साथ किस तरीके से गठबंधन करेंगे देख ले। वो क्या मानते हैं आप? नहीं, कोई गठबंधन नहीं होगा, ये सब गठबंधन जो है वो दिखाने के लिए कुछ होगा। जमीन पे कोई गठबंधन नहीं है, जमीन पे सब एक दूसरे के खिलाफ है। मौका मिल जाए एक दूसरे की गर्दनें काट देंगे।